अभी हम आ गए पुलवामा और ये देखो और जो ब्लास्ट हुआ था कहाँ पे हुआ था दोस्त? इसी पॉइंट पे हुआ था बिल्कुल, गाड़ी इसी साइड से रॉन्ग साइड से आई। अच्छा, मतलब अगर अच्छी से अच्छी बनाओगे स्टार्टिंग में लाइक 1 करोड़ तो बनती है। जो छोटी वाली शिकार है हमारी आगे, इसमें हम चलेंगे अभी पहलगाम। ये कितने की बनती होगी दोस्त? 3-3.5-4 लाख के आसपास। यो मेरे जिगर के चलो, कैसे आप सब? और आप देख रहे हैं आपका अपना गर्व जोन। मुझे उम्मीद है आपको लद्दाख की सीरीज मेरी पसंद आ रही हो। कश्मीर में को इतना ज्यादा पसंद आया कि मैं 2 दिन एक्स्ट्रा रुक गया कि मैंने चलो पूरा घुमा के ही जाएंगे आपको। अभी हमारा दिन स्टार्ट होता है हमारे ब्रेकफास्ट से। उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा। यहाँ पे कट कट आवाज आ रही थी तो यहाँ पे चल रहा है रिपेयरिंग का काम। जुनेद हाय, कैसे हो? ये इसी की हाउस बोट है। आज हम जाने वाले पहलगाम। थोड़ा 1 घंटे लेट हूँ मैं, याद आ फिर से दिखा दूं। मैं इस हाउस बोट में रहूं, वहां से लेके यहां। अभी हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। ये अचार है, ये पराठे, ये देखो ऐसे आते पराठे, ये कोल्ड कॉफी है, चिल्ड एकदम, दही है। मैं तो कर रहा हूँ इतने नाश्ता, और मनीषा पता नहीं कहाँ है, उसको मैंने जगाया था तो कह रही थी मैं ना रही हूँ। मैंने फटाफट इतने में ब्रेकफास्ट करो फिर अपने को निकलना। तो रात को मैं अच्छे से व्यू और इसका बोट हाउस का टूर नहीं दे पाया, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि एक टूर वीडियो बनाई दूं कि मैं कैसी बोट हाउस में रुकूं और आप आओगे तो आपको कैसी बोट हाउस मिलेगी। सबसे पहले तो ये देखो, ये होती है शिकारा, इस पे आपको घुमाया जाता है डल लेक। और फिर शिकारा के बाद आती है बड़ी बोट, जैसे वो पीछे हैं बड़ी बड़ी बोटें सारी साइड में जो खड़ी हुई हैं, इसमें आप रहते हैं। देखो जैसे ये सारी है ना, ये फिक्स है ना फिक्स है जी। अगर इसको मूव करना है तो आगे मोटर लगानी पड़ती है, वो सिर्फ स्पेशली सिर्फ आगे पीछे बोट करने के लिए होती है, अदरवाइज ये मूव नहीं करती। उसके बाद यहाँ से आपको एंट्री मिलेगी, चढ़ोगे यहाँ पे। हर बोट हाउस में आपको ऐसा थोड़ा एरिया बाहर वाला मिलेगा ताकि आप बैठ पाओ। हर बोट पे डाइनिंग एरिया मिलेगा, डाइनिंग या इसको बैठ सकते हो आप, कॉन्फ्रेंस हॉल टाइप कह सकते हो। यहाँ की जितने भी बोट हाउस है इसमें, इनमें बस आपको रूम साइज और इंटीरियर का फर्क मिलेगा, अदरवाइज सब चीज सेम है। देख ले, नॉलेज होगी मेरे को। और जुनेद मेरे को दिखा रहा था कि जुनेद का जो ये है ये कारपेट क्या है, क्या कहते हैं, कालीन कारपेट। इट्स लाइक काइंड ऑफ एंटिक, 85 इयर्स ओल्ड कारपेट है ये। वाह, और इसकी शाइनिंग भाई, रात को जब मैं बैठा था इतना शाइन मार रहा था और अभी भी शाइन मार रहा है ये। इट्स सिल्क एंड वूल मिक्स। वाह ग्रेट यार। जब ये बोर्ड बनी है ना, हाँ, तो उसी टाइम पे ये कालीन भी लाया था। और ये बोर्ड कितनी पुरानी है? 85 इयर्स ओल्ड, मतलब 19 कब बनी होगी, 19 कैलकुलेट कर लेना। कैलकुलेट करना है तो ऑलमोस्ट सारी बोटें, मतलब मान के चलो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट हाउस बोट है पूरे इन दिस एरिया डल लेक। इस बोट का हाउस का सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये है कि इसके रूम साइज बड़े, बाथरूम रूम साइज दोनों बड़े बड़े हैं। अभी मैं दूसरी बोट हाउस भी दिखा दूंगा आप कहोगे तो, बट ये रूम बड़े हैं, आप खुद देखना। प्लीज याद आ, ये देख ऑस्ट्रेलियन मैप मिलेगा आपको, सॉरी ऑस्ट्रेलियन कैलेंडर मिलेगा 1973 का। और इसकी कितनी कीमत लगाई थी एक उसने? बस वो तो एज अ टूरिस्ट आया था यहाँ पे, वो 50, he was ready to pay 50,000 for this. Okay, but you didn't sold it. No, because this is antique. We don't sell antique things here. तो नहीं, ये भी इकट्ठे करे हुए हैं? हाँ. Very good. और अपने नोट का कलेक्शन दिखा। So, ये मेरे नोट का कलेक्शन है, सब कुछ रखा है इसमें। अच्छा, डिफरेंट करेंसी, जैसे कि डिफरेंट डॉलर्स भी रखे है, नेपाल के रखे है, इंडिया के भी रखे है, और बस बहुत सारे करेंसीज है ये आप देखो। हाँ, इजिप्ट, ईरान, सब कुछ। अच्छा, ये सारे टूरिस्ट आते होंगे, ये कहाँ का है? ये तो पता नहीं कहाँ का है, ये तो समझ भी नहीं आ रही, इस पे हैंडराइटिंग पता नहीं दूसरी कुछ लिखी है। उसके बाद यहाँ पे है ब्रेकफास्ट एरिया या डाइनिंग एरिया बोल सकते हो इसको, आप लंच करो डिनर करो ब्रेकफास्ट। तो एक टाइम पे मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी रहती है इस बोट की, या कितने मैक्सिमम लोग आते हैं एक टाइम पे जब सारे रूम बढ़ जाते हैं? तो एक रूम में 3-3, 4-4 भी रह सकते हैं? हाँ, आराम से रह सकते हैं। अच्छा, तो अगर वेडिंग भी दे देते लाइक 12-13 लोग तो आराम से आते हैं, तो इस एरिया में भी आ जाते होंगे 12-13। वॉल पे आप देखोगे तो ये भी मेरे को बहुत पुराना लग रहा है। हाँ, ये भी बहुत पुराना है। कितना? ऑलमोस्ट होगा 25-30 साल पुराना ये भी, 25-30 साल है। और ये सब कलाकारी आप देख सकते हो कितनी अच्छी है। ये आपकी किचन है, यहाँ देखो कितनी साफ किचन है यहाँ पे। फिर रोते हैं रूम चालू, और यहाँ से एंट्री है, हम यहाँ से भी आ सकते हैं, सामने से भी आ सकते हैं, ट्रेन की तरह चलना है अपने को। तो पहला रूम हमारा ये है, तो यहाँ आपको बेड मिल जाएगा, कारपेट सा एकदम, ये हर बेड के उस पे मिलेगा। यहाँ विंडो है और ये वॉशरूम है, वॉशरूम इनका अच्छा खासा बड़ा है, नीचे भी कारपेट है, यहाँ कारपेट आपको मिलेगा, ऊपर वुड है, तो यहाँ जकूजी मिलेगी। थोड़ा सा आपको व्यू दिखाऊं तो क्या है, हाउस बोट एक से एक जुड़ी होती है तो इतना खास व्यू दिखेगा नहीं आपको। सबसे मेन बात इनकी गेटों की है, ये है स्लाइडिंग करके दिखाई जुनेद। ओके, ये स्लाइड होता है,
ये वुड के हैं और ये वुड के स्लाइड होते हैं। देखो ये वाला रूम मेरा है, अब ये जुनेद दिखा रहा है। अब ये पूरा नीट एंड क्लीन हो चुका है, साफ हो गया क्योंकि कस्टमर आने वाले हैं इसमें दोबारा। काफी अच्छा लगा वॉशरूम भी मेरे को। और आगे चलते हैं मनीषा के रूम में। तो अभी हम चलते हैं रूफ टॉप पे। ये देखो जुनेद ले जा रहा है अपने को। वाह क्या नजारा है इसका। तो सारी बोट हाउसों के ऊपर ये टीन सा डला हुआ है। पतंग उड़ाते हैं लोग? हाँ पतंग उड़ाते हैं। उड़ती है? मार्च में ज्यादा उड़ती है। और ये बता रहे एक बोट हाउस लगभग कितने की बन जाती होगी जुनेद? ये डिपेंड करता है सर, लाइक जितनी बड़ी आप बोट हाउस बना लो। फिर भी ये अपना एवरेज रेट मांगने तो स्टार्टिंग तो मतलब अगर अच्छी से अच्छी बनाओगे स्टार्टिंग में लाइक 1 करोड़ तो बनती ही बनती है। जो छोटी वाली शिकार है हमारी आगे, इसमें हम चलेंगे अभी। हाँ? पहलगाम ये कितने की बनती होगी दोस्त? 3-3.5-4 लाख के आसपास। अच्छा जी। और ये जो अपनी ये वाली जो है लकड़ी की खाली सिंपल प्लेन 1 लाख। तो देखते हैं ये जो देवदार का वुड है ना, ये महंगा आता है और ये ब्लैक में बिकता है कश्मीर में, काट में भी अलाउड नहीं है। तो आप यहाँ देख सकते हो डिश भी लगे हुए हैं ऊपर ऊपर। ब्लू टैंक्स दो लगी है ना। हाँ, तो हमारी दूसरी छोटी वाली बोट है, इसका भी टूर हम शाम को करेंगे। अच्छा हाँ, वो देखो ब्लू सी टैंक है जो। बाकी यहाँ से नजारा देखो कुछ ऐसा दिखता है कश्मीर का। ऊपर वो शंकराचार्य भी दिखता है। अच्छा वहाँ से शंकराचार्य। सबसे बढ़िया बात यह है कि ये फ्रंट व्यू है, यहाँ से पहाड़ दिखेगा और सामने खुला है। और अगर आप अंदर की साइड चले आओगे तो आपको एक दूसरे की बोट का मुंह देखना पड़ेगा। यहाँ भी सिटिंग एरिया है, हर बोट पे आगे सिटिंग एरिया मिलता है। तो चलें जी, आज अच्छी लग रही है लेकिन तुम्हें बाल दिखाना अपने। क्या बात, चोटी निकालो भार। तो यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि आंटी भी बोट चलाती है। फोटो शूट देखो आंटी का, आंटी चला रही है बोट और वो लोग कर रहे हैं फोटो शूट। तो अभी हम आगे हैं तट पे, वहाँ पीछे बोट हाउस से लेके। और यहाँ देखो ये तड़ तड़ टकरा पट से हेड शॉट। तो अभी हम आ गए हैं मेन रोड पे, गाड़ी हमें लगानी थी इधर और फिर यहाँ से छोटी बोट करके बड़ी बोट पे गए थे। तो आपको यहाँ ऐसे होटल भी मिल जाएंगे। और पार्किंग में आया हूँ मैं, यहाँ मेरे को दिखे हैं काफ़ी बाइकर्स जो अपनी बाइकों से आए लद्दाख। भाई हेलो, लद्दाख जा रहे हो? लद्दाख नो, रिटर्निंग बैक होम। ओके, वेयर आर यू फ्रॉम? बैंगलोर। ओके ग्रेट। तो ये बाइक खुद चला के लाया बॉस? डुकाटी स्कैम्बलर। अपनी गाड़ी गोरी थार। अभी हम जा रहे हैं मुगल गार्डन और ये देखो पूरे डल लेक कितनी बढ़िया। और सामने शो हो रहा है, वाटर शो, बिल्कुल दुबई जैसा, छोटा सा दुबई जैसा, मज़ेदार। और यहाँ पे पार्किंग और खाने पीने का आपको मिलेगा सौदा। ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है। इससे बड़ा भी फाउंटेन बना है वो, लेकिन अभी बंद कर रहे हैं वो, लाइटिंग वाला जैसे दुबई में। हाँ के पास से लाइटिंग वाला बंद किया। अच्छा अच्छा अच्छा। ये देखो घास निकालिए जो उसमें थी ना डल लेक में, घास फूस। देखो यहाँ सारे फिशिंग कर रहे हैं अभी बैठ के। बाकी ये बस सर्विस है भाई, हम इस बस में नहीं जा सकते थे? हाँ जा सकते हो आप, क्यों नहीं। बट ये तुम बता रहे थे कि अंदर नहीं घुमाई, ये मुगल गार्डन जाती है खाली। मुगल बस के बाहर फिर वापस यू टर्न ले लेगी, फिर वापस छोड़ देगी। कितने रुपए में? 100 रुपए बस। बस एक सब्सक्राइबर कितना क्यूट है। तो यहाँ कश्मीर में भी बहुत लोग देखते हैं मेरे को। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा मेरे चैनल तो सब्सक्राइब कर लो, ऐसे बढ़िया बढ़िया वीडियोस बनाते रहता हूँ। चोरी करते रहते हैं अपन भाई, सब्सक्राइब करो। देखो आर्मी वाले चारों तरफ खड़े हैं, सिक्योरिटी तो बम है भाई यहाँ। तो हमने नाश्ता इतना बढ़िया कर लिया था कि अभी तक भूख ही नहीं लगी, मज़ा आ रहा है बस। सुबह सुबह है ना, तुमने नहीं खाया? भूख लग रही है तुम्हें? तुम्हें भी लग रही है भाई? नहीं नहीं, कुछ खाओगे? मैं तो ठीक हूं, मैंने लंच किया। अभी हम आ गए हैं मुगल गार्डन के सामने। और ये देखो ये वही है ना माइक सा जो तुम बता रहे थे, देखो वही है माइक सा। चल रहे हैं मुगल गार्डन, यहाँ का जो फेमस है। और भाई इतनी भीड़ है यहाँ पे, और यहाँ से सनसेट देखने आते हैं लोग, सनसेट पॉइंट भी है। अभी देखो मैं थोड़ा सिनेमैटिक में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये था मुगल गार्डन। तो ऐसे ही पूरा गार्डन है, मैं ज्यादा गया नहीं, मैंने ठीक है आपको आइडिया लग जाए। और सामने होती है बोटिंग और सनसेट हो रहा है। तो अपन चलते हैं इसके बोट हाउस पे और वहाँ ये निकाले बोट और अपन कुछ खाएंगे और चिल करते हैं इवनिंग में। चलो भाई, लेकिन भीड़ बहुत आती है यहाँ पे। तो सनसेट देखो कितना प्यारा है, अपन चलते हैं। तो वहाँ एक लड़की गाड़ी के साथ सेल्फी ले रही थी नाम के साथ, और पता नहीं सामने से मैं आ रहा हूँ और वो अब वो जा रही है, वो देखो आगे चलेगी। तो अनफॉर्चुनेटली वो मेरे से मिल नहीं पाई सामने होते। तो
अभी हम निकल चुके हैं पहलगाम के लिए और वी आर लेट अबाउट टू आवर्स और 1.5 आवर्स और मनीषा की वजह से लेट हुए, मेकअप करने में टाइम लगा दिया। नहीं नहीं नहीं, तुम उठते ही नहीं हो सुबह, क्या उठाते रहो? और तुम्हें भी भेजा था ना मैंने कि उठा दो। आए नहीं। अबे सुबह क्यों नहीं आया तू? तू तो कह रहा आऊंगा मैं खुद सो गया था। अच्छा, हाँ, अच्छा। देखो तो मनीषा के दोस्त, क्या हाल है भाई? भाई कैसे हो? सब्सक्राइबर हैं? कैसा मजा कश्मीर में? भाई बहुत दिल खुश हो गया। कश्मीर में कैसा मजा है? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अभी हम और आगे जा रहे हैं घूमने। अब आप कहाँ जा रहे हो? पहलगाम। शायद दिखेगी मस्जिद है रास्ते में जाते हैं, दरगाह, सॉरी। अच्छा, वो जो गाना जो है बरदोजोली में, हाँ अच्छा, वो इसमें हुआ है, इसमें हुआ है। गाइस आर्मी वालों का काफिला देखो कितना सही लगता है, कितनी सही फीलिंग आती है। एक नंबर, मतलब दिल खुश हो जाता है। वो देख रहे हो सिक्योरिटी, देख रहे हो मतलब ऊपर छत पे बैठे हुए हैं, चाहे गर्मी है चाहे बारिश है, ऐसे ही रहते हैं। बारिश में भी ऐसे खड़े रहेंगे भाई? हिम्मत है भाई, सल्यूट। तो ये जितने भी आप दूर दूर तक देख रहे हो, ये देखो ये सारी क्या चीज है भाई? ये तो ये पहलगाम से कश्मीर के बीच का रास्ता है। तो पहलगाम, अगर दिल्ली से आओगे तो पहलगाम पहले पड़ेगा, कश्मीर फिर बाद में। हम उल्टा जा रहे हैं क्योंकि हमारा रह गया था, हमने आज फ्री थे तो हमने कहा चलो चलते हैं। अभी हम आ गए पुलवामा और ये देखो, और जो ब्लास्ट हुआ था कहाँ पे हुआ था दोस्त? इसी पॉइंट पे हुआ था, बिल्कुल। गाड़ी इसी साइड से, रॉन्ग साइड से आई थी। अच्छा, रॉन्ग साइड से जा रही थी, ऐसे है? और इसी जगह हुआ था प्रॉपर? हाँ इसी जगह। तो कोई निशान विशान है यहाँ पे? अभी उन्होंने सड़क ठीक कर दी क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट भी है ना, डरते भी है। अच्छा अच्छा, तो पूरा सब साफ हो गया? हाँ अभी तो सब ठीक है, अभी तो सब साफ। तो ये देखो इसी जगह हुआ था, इसी पुल पे देखो, ये यहाँ से अभी 1.5 घंटे का रास्ता और दिखा रहा है। तो अभी जाते जाते मेरा कैश खत्म हो गया है क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा महंगाई है भाई। तो अपन निकालते हैं कुछ कैश, तो अपन ने निकाल लिए हैं 40,000 ताकि रास्ते तक दिक्कत ना पड़े कुछ। तो ये है साउथ कश्मीर है वैसे, समोसे यहाँ से चलते फिरते क्योंकि हमें लग रही थी भूख। तो समोसे दिखाओ, चटनी दिखाओ। नॉन वेज की सोचती रहती है बेवकूफ लड़की को हमेशा। तो यहाँ चटनी नहीं देते, यहाँ है मूली की चटनी। मूली पीस दिया है, मैं मूली का सलाद दे दिया है समोसे के साथ कुल मिला के। साउथ कश्मीर में नहीं, श्रीनगर में तो मिलेगी हरी चटनी। अच्छा, पर साउथ कश्मीर में मेरे को पता नहीं। तो साउथ कश्मीर में और नॉर्थ कश्मीर में डिफरेंस है बहुत ज्यादा खाने पीने में, है ना? डेवलपमेंट भी है, डिफरेंस भी है। अच्छा, पकड़ रही है बकरी, छूना छूना। बकरियों के साथ जा रही है? कहाँ जा रही हो बकरियों के साथ? अच्छा, वो भी साइड साइड जा रहे हैं। बीच में कोई टक्कर ना मार दे भाई, ये मारते भी सिंग भी मारते हैं। अरे क्या, नहीं पकड़ो, लाओ मैं पकड़ता हूँ, लाओ। सॉफ्ट है, इसके कांटे लगे हुए हैं लेकिन ये देखो। भाई गद्दे जैसा, गद्दे जैसा। छो ना, छो 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 छो, जल्दी छो, दबाओ दबाओ दबाओ, ऐसे करके दबाओ दबाओ दबाओ। हाय रब्बा, मजे आ गए। ये गद्दी कुत्ता, ये उन जो शीप से उनकी रक्षा करता है, गद्दी कुत्ता है, गद्दी है। हाँ, यहाँ के लोग भैंस के आंख सीधे मुंह बात ही नहीं करते। पानी देखो बिल्कुल नीला है कि नहीं? बहुत सुंदर है, मुझे नहाने का मन कर रहा है इस पानी में। तो अभी हम नीचे आए थे थोड़ा, ये हम जा रहे थे तो हमें एक अच्छा सा पुल मिला, तो यहाँ हम रील बनाएंगे, तो देखते हैं रील कैसे बनती है। यहाँ एक गेट है, ये भी मेरे ख्याल से आर्मी वालों ने ही बनाया। तो ये रहे घोड़े, और हमने अभी 3 घोड़े करे और 6 पॉइंट व्यू है, मतलब जो घुमाएंगे मिनी स्विट्जरलैंड भी ऊपर ही है यहाँ पे, और ये साउथ कश्मीर है। तो चलते हैं जी ऊपर है, मतलब कितने घंटे का ड्राइव होने वाला? 2 घंटे ही घोड़े से।